गौतम बुद्ध नगर जिले के एक मॉल में स्थित रेस्टोरेंट में एक वेटर पर 3 लोगों ने कथित रूप से हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिले के एक मॉल में स्थित रेस्तरों के एक वेटर पर 3 लोगों ने कथित रूप से इसलिए हमला कर दिया क्योंकि रेस्तरों में बिरयानी खत्म हो गई थी। पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि जब वेटर ने व्यक्तियों को बताया कि रेस्तरा में बिरयानी खत्म हो गई है तो वे गुस्सा हो गए और कहने लगे कि वेटर ने उनका ऑर्डर लेने में देर की जिस वजह से बिरयानी खत्म हो गई तथा वेटर पर हमला कर दिया। नॉलेज पार्क थाने की पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह ने बताया है कि आरोपियों की पहचान मनोज प्रवेश व कृष के तौर पर हुई है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले कौशाम्बी थाना क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट के बाहर कुछ लोग जमा होकर शराब पी रहे थे और शोर शराबा कर रहे थे। रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए कुछ फैमिली भी आई थी जिनकी वजह से रेस्टोरेंट संचालक ने इन लोगों से शोर शराबा और गाली गलौज करने से मना कर दिया। इस पर दबंगों ने पहले रेस्टोरेंट संचालक महेश वर्मा के साथ हाथापाई की, फिर तंदूर में इस्तेमाल किए जाने वाले लोहे के सरिये से संचालक के सिर पर वार कर घायल कर दिया। मौके पर भीड़ जमा हो गई और तुरंत इसकी शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस के आने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गए।